उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर रहे होंगे जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक जिसका नाम है हाइपरबोला सेम वैसे ही हम ही इसको करेंगे जैसे हमने पैराबोला और एलिप्स किए थे सबसे पहले हम एक चार्ट बना लेते हैं इसकी इक्वेशन का लाइक हमारे पास अगर इक्वेशन किस फॉर्म में होगी इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी एलिप्स के अंदर साइन आता है प्लस का हाइपर के अंदर साइन आता है हमारे पास माइनस का यहाँ पे एलिप्स के अंदर प्लस का साइन था अच्छा ये भी इक्वल टू वन होता है ठीक है अच्छा पैराबोला के अंदर मैं कह रहा था एक्सिस इसके अंदर एक वर्ड आ जाएगा बस ट्रांसवर्स एक्सिस सही है इसके अंदर एक ये चीज़ होगी एक इसके अंदर सेंटर की बात होगी एक इसके अंदर बात होगी वर्टिस की सेम ऐसी एक बात होगी फोसाई की ठीक है नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास एक चीज़ होती है सेंट्रिसिटी से सब कुछ वही है एक चीज़ होती है डायरेक्ट्रिक्स सेम ऐसी एक चीज़ होती है हमारे पास इसमें लेटेस्ट रेक्ट्राम ठीक है रिलेशन बना देता हूँ बस एक हेडिंग एबीसी करके जो हम निकालते हैं ठीक है या लिख दें आप रिलेशन एबीसी तो अगर इस फॉर्म में घेवेन हो एक्स के नीचे ए आ रहा हो वाई के नीचे बी आ रहा हो तो ये जो इक्वेशन ट्रांसफर एक्सिस इसका निकलता है ये कहलाता है अलॉन्ग एक्स एक्सेस ठीक है सेंटर इसका वही ज़ीरो कामा ज़ीरो होगा वर्टिसेस क्या होंगे इसके इसके होंगे वर्टिसेस प्लस माइनस ए कामा ज़ीरो और फसाए क्योंकि एक्स एक्सिस है दोनों में देखें पहले एक्स का नंबर आएगा ये हो जाएगा प्लस माइनस सी ओवर एसेंट्रिसिटी वही इजिकल टू सी ओवर है और फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है डायरेक्टिक्स डायरेक्टिक्स हमारे पास बराबर होता है प्लस माइनस ए ओवर ई ठीक है आप चाहें तो इसको एलिप्स से भी कंपेयर कर सकते हैं बस थोड़ा सा फ़र्क है इसके लेटेस्ट सैक्टम का फॉर्मूला होता है टू बी स्क्वायर ओवर ए e. अच्छा इसके अंदर जो रिलेशन निकलता है ना सी का वो निकलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर आपको याद हो हमने एलिप्स में पढ़ा था माइनस साइन आ रहा था ठीक है तो ये इनडायरेक्टली मैंने समझ लिया एट एम सी सीख दिया अगर आपसे पूछे आपको ये चीज़ें चार्ट पूरा जहन में हो सेम ऐसे से हम इसकी दूसरी इक्वेशन पढ़ लेते हैं लाइक like, अगर हमारे पास इक्वेशन गिवेन हो अब वाई आ रहा हो अभी मैंने एक्स लिखा था ठीक है अगर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो और माइनस एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू वन तब क्या चेंजेज आएंगी सेम ऐसी इसके अंदर भी वही सब बातें होंगी एक होगा ट्रांसफर्स एक्सेस एक होगा सेंटर एक होगा हमारे पास वर्टिसेस, एक होगा फसाए एक होगा सेंटिसिटी सेम ऐसी एक होगा डायरेक्टिक्स और नेक्स्ट क्या था हमारे पास उसमें लेटेस्ट एक्टर्म एक होगा लेटेस्ट एक्टर्म और एक होगा वही रिलेशन ए बी सी का ठीक है अब हम इसको देख लेते हैं उसी का उल्टा होगा आप एक याद रखें दूसरा वो होता है एक्स एक्सिस तो ये होगा वाई एक्सिस मेरा सही है सेंटर सब में सेम होता है जीरो कॉमा जीरो उसमें वर्टिस्टा प्लस माइनस ए कामा जीरो इसके अंदर क्या होगा क्योंकि वाई एक्सिस है हो जाएगा ज़ीरो प्लस माइनस ए सही है और फोसाई क्या हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा ज़ीरो प्लस माइनस सी सेंट्रिसिटी से सेम सी ओवर ए डायरेक्टिक्स क्या हो जाएगा हमारे पास सेम प्लस माइनस से ए ओवर ई इसको वाई से लिखते हैं सही है सेम ही हमारे पास लेटेस्ट एक्टम जो होगा सब में सेम होगा टू बी स्क्वायर ओवर गए और रिलेशन इसका सब में सेम होगा जैसे एल एस में माइनस था इसमें था प्लस ठीक है एम ऐसी अगर मेरे पास इक्वेशन कुछ इस टाइप की गिवेन हो लाइक एक्स माइनस एच स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस क्योंकि हाइपरबोला में माइनस साइन आती है जब भी मैंने माइनस लिखा है अगर ये इक्वेशन हमें गिवन हो अच्छा ये सारे पॉइंट वही चल रहे हैं लाइक ट्रांसफ़र एक्सिस सेंटर वर्टिस अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ जब ये इक्वेशन होगी ये होगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस का ट्रांसफर एक्सिस जो होगा एक्स एक्सिस होगा और इसका जो सेंटर होगा एच कामा के होगा और वर्टिस क्या होंगे एच प्लस माइनस ए कामा के फोसाइस के क्या होंगे फोसाए होंगे भाई हमारे पास एच प्लस माइनस सी ओवर के और इस्टिटी सेम वही सी ओवर है और डायरेक्टिक्स क्या होगा एक्स इक्वल टू एच प्लस माइनस ए ओवर ही ठीक है लेटेस्ट रेक्टम फिक्स है टू बी स्क्वायर ओवर है ठीक है और रिलेशन जो होगा वही फिक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है हर एक की अगर आपको ध्यान में हो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन टोटल एट एट एम सी क्यू हर एक उससे बन रहे हैं इक्वेशन से ठीक है अब हम लास्ट एक और इक्वेशन की बात कर लेते हैं फिर एम सी क्यू स्टार्ट करेंगे अब हम लास्ट इक्वेशन की बात कर लेते हैं हाई है पर के लाइक like अगर हमें इक्वेशन गेमें ना वाई माइनस के स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू वन ठीक है सेम वो इसका एक्सेस क्या होगा लॉन्ग वाई एक्सेस होगा इसका ट्रांसफर एक्सेस सेंटर फिक्स है एच कॉमा के ठीक है और वर्टेसेस क्या होगा हमारे पास इसका एच प्लस माइनस ए अपॉन के ठीक है हो जाएगा एच प्लस माइनस ठीक है और हमारे पास फंसाए क्या हो जाएंगे फंसाया हो जाएगा अच्छा अगर आपको याद हो ये मैंने उसमें भी लिखा था जब अभी मैंने लास्ट इक्वेशन लिखी थी तो यहां पे जो होगा उल्टा होगा लाइक एच कॉमा के प्लस माइनस ए आएगा यहाँ पे ठीक है तो ये चीज़ जहन में रखिएगा मैंने वो पुराना ही वाला सेम लिख दिया था तो यहाँ पे जो है हमारे पास के प्लस माइनस ए वहाँ पे पहले लिखा होता है सेम ऐसी फसाए हमारे पास क्या हो जाएंगे वो हो जाएंगे एच कॉमा के प्लस माइनस सी एसेंटिसिटी फिक्स है सी ओवर a सही है और डायरेक्टिक्स क्या हो जाएगा के प्लस माइनस ए ओवर ही और लेटेस्ट लेटेस्ट्रम वही फिक्स है टू बी ओवर है और सेम है ए बी सी का वो भी फिक्स है हमारे पास ठीक है ये सारे अच्छे से अच्छे फॉर्मूलाजे इसके क्यू स्टार्ट करते हैं एमसी क्यूज है हमारे पास बोल बोलाट्रम इस इसी ऐसा सवाल मैंने उसमें भी कराया था एलिप्स के अंदर अब क्वेश्चन चेंज है, है बोला हाइपरबोला बोला लेटर एक्टर्म इज डबल टू ट्रांसफर जो भी मैंने लिख पाया था एक्सेस ठीक हम है हमसे बोल रहा है वॉट इज ई मतलब कि असेंट्रिसिटी निकालो ऑप्शन हमें क्या दिया है एक दे रहा है अंडर रूट टू एक ऑप्शन है मेरे पर अंडर रूट थ्री एक ऑप्शन है हमारे पास अंडर रूट फाइव एंड लास्ट है अंडर रूट सेवन ठीक है ऑप्शन डी है ठीक है इसको सॉल्व कर लेते हैं अच्छा कंडीशन हमें क्या दे रहा है ये दे रहा है इसको मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ लाइट लेटेस्ट एक्टाइम इजिकल टू टू टाइम्स ट्रांसफ़र एक्सिस मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए अभी जो मैंने शीट लिखी थी पूरी ठीक है ये टू ट्रांसफ़र एक्सिस क्या होता है टू ए ठीक है ये आप ए से ए कैंसिल कर दें या चाहें तो एक टू से एक टू कैंसिल कर दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बीस का इजिकल टू टू अच्छा एक काम करें आप क्योंकि ये जो है ना डिवाइड हो रहा है ठीक है इसको मल्टीप्लाई करा दें आप सिंपल मैंने बाय मिस्टेक वो टू के चक्कर में जजबात में आके वो ए भी कैंसिल कर दिया तो ए से मल्टीप्लाई हुआ गया क्या हो जाएगा टू ए स्क्वायर क्योंकि अगर आप जैन में फार्मूला रखें फार्मूला हमारे पास क्या होता है सी स्क्वाजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है तो ये बी की फॉर्म में इक्वेशन आ रही है आप क्या करें बी को अलग कर दें आप ये हो जाएगा सिंपल बी स्क्वायर अच्छा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया हो जाएगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर की क्या वैल्यू हो जाएगी पास टू ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर इधर आएगा प्लस का हो जाएगा ठीक है सी स्क्वायर की क्या वैल्यू हो जाएगी थ्री ए स्क्वायर ठीक है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम नीचे लाइक ये हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू थ्री और इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ सी ओवर ए का स्क्वायर इक्वल टू थ्री ये क्या हो जाएगा हमारे पास ई स्क्वायर क्योंकि एसेंटिसिटी बराबर है सी ओवर ए के और ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर आएगा तो सिंपल रूट अंडर रूट थ्री मतलब कि राइट ऑप्शन हमारे पास होगा बी अब हम बात कर लेते हैं कुछ मजीद फार्मूलाज की ये अक्सर पेपर में पूछे आते हैं अगर आपको फार्मूलाज याद हो तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं लाइक like, एक मैं सर्किल लिख लेता हूँ एक इलेप्स अब मैं सबकी एक साथ बात करता हूँ क्योंकि सारे कोई पुराने फॉर्मूले नहीं है थोड़े से नए हैं दफ़ा हाइपर वाला सही है हाइपर वाला के भी दो हैं तो मैं इसको दो दफ़ा लिख लेता हूँ ठीक है अच्छा सर्किल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर ठीक है इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकलती है वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस सी से ठीक है अच्छा एक चीज़ होती है कंडीशन और टेंजेंसी उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है सी स्क्वायर इज ईक्ल टू आर स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ठीक है फॉर्मूला ध्यान में रखने एलिप्स के लिए क्या चक्कर है भाई एलिप्स में मैंने जैसे कि पहले कहा कि प्लस का साइन आता है तो यहाँ पे प्लस का साइन लिख दें आप ठीक है और ये क्या है हमारे पास एम एक्स प्लस सी अच्छा इसकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी चेंज है लाइक इसकी है सी स्क्वायर टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है मैं लिख भी देता हूं इसको हम कहते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यह पता होनी चाहिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीजें ठीक है अब मैं हाइपर वॉलो की बात कर लेता हूँ हाइपर वॉलो में दो कंडीशन है अगर मैं बात कर लू एक्स स्क्वायर ऑन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू वन इक्वेशन ऑफ लाइन वही होगी वाईजिकल टू एम एक्स प्लस सी लेकिन टेंजेंसी क्या हो जाएगी अब एलिप्स में प्लस आता है तो ऐसे याद रखें इक्वेशन में तो प्लस आएगी इसके अंदर माइनस आता है तो ये आपकी सिंपल माइनस होगी ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या हो सकती है दूसरी हो सकती है वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू वन इक्वेशन ऑफ लाइन वही वाई जीवल टू एम एक्स प्लस सी ठीक है और इसके अंदर क्या होगा इसके अंदर अब बी पहले आ जाएगा मेरे पास इक्वेशन चेंज हुई तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आप ध्यान में रखिएगा ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर लाइक इसको मैंने जो है वो पलट के लिख दिया ऐसे ठीक है बात कर लेते हैं पैरा की भी कर लेते हैं ठीक है आपको पता होनी चाहिए चीज़ें एम सी क्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक वाई स्क्वायर रिजल्ट टू फोर ए एक्स इक्वेशन ऑफ लाइन वैसी रहेगी

अब आप वो आपसे बोलते इफ एफ मतलब के फोकस दे दे क्या दे एट कॉमन जीरो और डायरेक्ट एक्स दे फॉर एग्जांपल एक्स इक्वल टू फोर और आपको ऑप्शन दे दे लाइक एक दे दे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ट्वेंटी टू एक ऑप्शन आपको दे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू थर्टी टू एक ऑप्शन देते एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजल टू थर्टी टू और डी में दे दें नन तो इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे होगा है सवाल सॉल्व? सबसे पहले तो जहन में रखें फोकस क्या होता है सी कॉमन जीरो की फॉर्म में दे रहा है मतलब कि सी क्या है हमारे पास एट और डायरेक्टिक्स क्या इक्वेशन क्या होती है ए ओवर ई ठीक है अब मैं क्या कर रहा हूँ ए ऐसी रहा ई e किस बराबर होता है मेरा ई e बराबर होता है भाई सी ओवर ए के ठीक है तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ओवर सी अच्छा आगे ये दे कितना रहा है फोर के इक्वल दे रहा है हमें तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू फोर इक्वल टू फोर इक्वल टू फोर ठीक है एक्स को बोल दें एक्स तो खैर रिप्रेजेंटेशन है ठीक है ये क्या हो जाएगा हमारे पास सी हमारे पास क्या आएगा एट सी उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब कि ए इसका मेरे पास क्या आ जाएगा थर्टी टू फोर एट थर्टी टू ठीक है अब मुझे पता है रिलेशन क्या होता है सी स्क्वायर इज ईक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से बी की वैल्यू निकल सकती है आराम से सी क्या है मेरे पास एट जाएगा एट का स्क्वायर ये माइनस ए इधर आ जाएगा हो जाएगा सिंपल थर्टी टू ठीक है ए स्क्वायर मेरा किसके बराबर है थर्टी टू के तो यहाँ पे आ जाएगा थर्टी टू इजिकल टू बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर क्या निकल जाएगा हमारे पास सिक्सटी फोर माइनस थर्टी टू सिंपल थर्टी टू ठीक है ए बी की वैल्यू से सेम आ रही है हमें बेसिकली हाइपर बॉलर ये जो गिवन था ना मैं अच्छा ये जो हाइपर बॉलर गिविन था इसके अंदर हमें फोकस की वैल्यू पता थी ठीक है तो ये था ट्रांसफर एक्सेस अलोंग एक्स एक्सिस पहला बोलाता है ओ हाइपर बोलाता है ठीक है तो इसमें एक्स एक्सिस में इक्वेशन एक क्या होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू वन ठीक है ये इक्वेशन होती है मैंने किससे पहचाना फोकस से पहचाना आप बस अब वैल्यू पुट कर दें ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर थर्टी टू और ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर ओवर थर्टी टू इक्वल टू वन थर्टी टू तो समान ऑप्शन में आ रहा है इसको थोड़ा सॉल्व कर लें ये क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर थर्टी टू ये उधर चले जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है मतलब इक्वेशन क्या आ रही है हाइपर बोला की वो आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो मतलब के करेक्ट ऑप्शन देखें हमारे पास सी होगा ठीक है तो पहरा बोला हाइपर बोला एलिप्स ये तीनों हमने कवर कर लिए मेन चीज़ आपको फार्मूलाज पते हैं फिर कोई सा भी आपके पास एम सी क्यूज है आप इजीली कर सकते हैं अगर आपको मजीद प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है आप वहां से भी कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ला हाफि